आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। भूपेंद्र चौधरी ने पीसी में कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया गया है, 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया गया। पीएम के नेतृत्व में परिवारवाद तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त किया गया। इसके साथ ही कहा कि अंत्योदय को समर्पित 9 वर्ष पूरे करने पर महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। महाजनसंपर्क अभियान के जरिए लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर काम किया जाएगा और सभी विधानसभा, तहसील, शक्ति केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नेहरू इनक्लेव में दूसरे को आवंटित फ्लैट में कर्मचारी अवैध रूप से कब्जा कर निवास कर रहा था, जिसको लेकर उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कार्यवाही की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आयोजित नागरिक सुविधा दिवस में पहुंचे आवंटी की शिकायत पर नागरिक सुविधा दिवस में आए 65 प्रकरणों में से 19 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अम्बेडकर नगर के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा, जिले के आला अधिकारी के साथ बैठक की, विद्युत और स्वास्थ्य की कमियों को एक हफ्ते के अंदर सुधारने के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना जन जन तक पहुंचाई जाए, जनपद को सर्वश्रेष्ठ बनाए और जितने भी फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं सब पर छापेमारी की कार्यवाही होगी। केंद्र प्रदेश की ढेर सारी योजनाओं में अव्वल दर्जे पर है। आज हमने बिंदुवार विभागवार समीक्षा की है, जिन विभागों में कुछ हमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई उसमें सुधार के लिए कहा, जैसे विद्युत विभाग में जो शिकायतें हैं उनको सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाना होगा, पंचायती राज विभाग में, सामुदायिक शौचालय में, ऐसे स्वास्थ्य विभाग में कुछ सुधार के लिए हमने कहा है। एक सप्ताह में आपको सुधार नजर आएंगे। हम अपने अम्बेडकर नगर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे। अमरोहा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेमिनार और तंबाकू मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। ये तंबाकू विरोधी अभियान डॉक्टर सुधीर गिरी, चेयरमैन वेंकटेश्वरा समूह के नेतृत्व में पूरे वर्ष चलाया जाएगा। बताते चले कि वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रति डॉक्टर राजीव त्यागी की देखरेख में चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज यूनिवर्सिटी कैंपस में की गई। देखिए, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, विम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं वीजीआई मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई और देश भर से आए वरिष्ठ डॉक्टर्स ने तंबाकू सेवन करने के दुष्परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अकेले पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन और धूम्रपान से होती है और इनमें से अकेले 50 लाख लोग आपका पल्मोनरी कैंसर की वजह से दम तोड़ देते हैं। औरैया में पुलिस की एक नई पहल सामने आई है। यहां पुलिस ने एक रिश्ते को टूटने से बचाया है। बताते चले कि बारात में कुछ बारातियों द्वारा खाने को लेकर हलवाई के साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया गया और दोनों पक्ष, लड़का एवं लड़की पक्ष, आपस में सहमत हुए और फिर शादी हुई। ये पूरा मामला औरैया जिले के बिधुना कोतवाली का है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? आज आपके यहाँ शादी थी तो जो विवाद हुआ, आप कोई दिक्कत या कोई परेशानी? अब आप शादी कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या ऐसा रहा था जो कल आपकी बेटी की जो बारात आई थी उसमें विवाद हुआ था? अरे यही है सर, उसका नाम खाना के चक्कर में लड़ाई हुई। फिर इसके बाद तो हम तो अपने दरवाजे पे थे और कानम साहब वो हलवाई के साथ वो 4-5 बाराती उसके साथ मारपीट कर दी। दरवाजे वाला भी उसके साथ, उसके 1-2 थप्पड़ मारी, उसके लड़के बच्चे आ गए, इसे विवाद बढ़ गया।
फरीदाबाद सेक्टर 55 स्थित तहसील में आज उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीएम फ्लाइंग डीएसपी राजेश चेची के नेतृत्व में टीम ने औचक निरीक्षण किया और जाना जा सके कि तहसील में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं और कितने कर्मचारी नहीं आते। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ आने वाले लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग को ऐसे दर्जनों पीड़ित लोग मिले जो अपनी जमीन का मोटेशन करवाने के लिए घूस भी दे चुके हैं, लेकिन पिछले एक साल तक चक्कर लगाने के बावजूद उनके काम नहीं हुए। एक शिकायतकर्ता के अनुसार तहसीलदार के नाम पर 25,000 रुपए मांगे गए थे। सीएम फ्लाइंग ने ज्यादातर लोगों से लिखित शिकायत लेकर अब उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके में ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। बता दें कि नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया गया है। आरोप है कि नाबालिग बच्चे को बहला फुसला कर मुंबई में रहने वाले किसी युवक द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया। नाबालिग बच्चा 2 साल पहले ऑनलाइन कंप्यूटर गेम का सामान खरीदते हुए मुंबई निवासी बद्दू नामक आरोपी के संपर्क में आया था। मुंबई के रहने वाले युवक के संपर्क में धर्म परिवर्तन करा लिए जाने के बाद शक के बाद परिजनों को शक होने पर पिता द्वारा पीछा किया जाने लगा। जाने पर युवक गाजियाबाद की सेक्टर 23 मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हुए देखा गया। वहीं पुलिस द्वारा मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कुशीनगर में विषैले सांपों के साथ खेलने वाले युवक की जान चली गई। छोटी उम्र से ही विषैले सांपों के साथ खेलने वाले युवक की मौत सांप के विष से ही होगी, इसका अंदाजा उसे कतई नहीं रहा होगा। खबर ये भी है कि युवक न सिर्फ सांप काटने वालों का इलाज करता था बल्कि सांपों से खेलता भी था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आकाश ने पलक झपकते विषैले कोबरा को हाथों से पकड़कर दुकान से बाहर निकाल दिया और लोगों के सामने उसका वीडियो भी बनाया। हम तो जिसका है सांप उसको दस लिया है के पास से नहीं ब्लाक को गए ब्लाक पर उसका इलाज नहीं मिला है। उसके बाद से लोग आ गए हैं जिले पर, जिले पर आने के बाद सुई लगा है, सुई लगने के बाद से लगता 20 मिनट बाद एक्सपायर कर गया। बाप बड़ा न भया सबसे बड़ा रुपया, जी हाँ ये बात सत्य होती नजर आ रही है। बता दें कि लखनऊ में डीसीपी दक्षिणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। बता दें कि अपने मालिक की टैक्स की रकम लेकर भागने वाले 24 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सरोजनी नगर में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने अपने ड्राइवर को टैक्स जमा करने के लिए 49,50,000 नगद दिया था और यही मौका देखकर ड्राइवर टैक्स की रकम लेकर भाग गया था। दिनांक 29 मई को थाना सरोजनी नगर पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है उसके द्वारा कुछ हैवी कैश जमा करने के लिए उसके ड्राइवर को दिया गया था करीब 49,50,000 रुपये नगद, जो उस ड्राइवर द्वारा बैंक में ना जमा करते हुए उसे धोखाधड़ी के इरादे से हड़प लिया गया और वो वहाँ से भाग गया और उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। इस सूचना पर तत्काल थाना सरोजनी नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में लोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया। क्राइम टीम को भी इसके अनावरण हेतु लगाया गया। इन टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद उवैस जुड़ेंगे। उवैस, एक मालिक ने अपने ड्राइवर को 49,50,000 रुपए दिए टैक्स जमा करने के लिए, लेकिन ड्राइवर पैसे लेकर फरार हो गया, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? बताना चाहूंगा कि सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है और ये ड्राइवर था, जो ड्राइवर था इसको टैक्स का अमाउंट दिया गया मालिक ने और अमाउंट ज्यादा था, उसको देखकर उसकी नियत खराब हो गई। उसके बाद जो ड्राइवर था वो अमाउंट लेके मौके से फरार हो गया। इसमें पुलिस ने छानबीन करी, पुलिस तक बात पहुंची, पुलिस ने छानबीन करी और 24 घंटे के अंदर डीसीपी दक्षिणी विनीत जायसवाल ने इस घटना का खुलासा कर लिया। और सबसे इसमें अहम बात यह है कि इसके अंदर 49 लाख
50,000 रुपए की रकम जो है वो इसने जो है लेके भागा था, और इसके अंदर जो रकम थी वो पुलिस ने पूरी पूरी रकम बरामद कर ली है और इसको जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। जी ओवैस, इस पूरे मामले पर मालिक का क्या कुछ बयान सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मालिक साफ तौर पे ये कहना था कि उसको विश्वास था और ये काफी टाइम से वहां पर काम कर रहा था, ड्राइविंग करता था, और इसमें सबसे अहम बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी रकम आदमी उसी को देता है जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है, और उसका विश्वास जो है वो ड्राइवर ने अपने मालिक का विश्वास तोड़ा। उसने अपने विश्वास पे इसको, उसने साफ तौर पे ये कहना था कि उसने विश्वास पे इतनी बड़ी रकम दी थी और ये टैक्स जमा करने के लिए इसको रकम दी गई थी, जिसको इसने जो है इसकी नियत खराब हो गई, क्योंकि पैसे पे देखते ही इसकी नियत खराब हुई और इसने जो है योजना बना ली वहां से पैसा लेके फरार होने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की इसमें जो है बहुत अहम भूमिका रही है, और विनीत जायसवाल दक्षिणी जो डीसीपी हैं उन्हीं ने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया और इसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो इसकी रकम थी वो पूरी पूरी इसकी रकम इसको जो है बरामद कर ली है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओएस। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।